अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शिरीन काजी। आज हम बना रहे हैं पोटैटो चिल्ली, तो चलो इसकी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी तक 4 आलू को छिल के काट लिया है लंबे साइज में, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज के लिए काटते हैं, बस उसी की तरह काटेंगे और थोड़ा इसको मोटा रखने देंगे। अभी हम इसको बॉईल कर लेंगे। देखिए, मैंने इधर पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और अब हम इसमें आलू को डाल देंगे। देखिए, मैंने आलू को डाल दिया है। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए, आलू को मैंने 2 मिनट के लिए उबाल लिया है, बस 50% उतना ही पका लेंगे इसको। चलिए, अब हम आलू को निकाल लेंगे। अभी हम आलू के लिए एक बैटर बना लेंगे। देखिए, मैंने अभी 1 कटोरी मैदे का आटा ले लिया है और 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर। अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी डालते हुए इसका एक अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। देखिए, मैंने इधर ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है आलू को फ्राई करने के लिए। अभी हम एक आलू का पीस लेंगे और इस बैटर में डिप करके इसमें डाल देंगे। इसी तरह हम सारे आलू पे भी इस बैटर को लगा के ऑयल में डाल देंगे। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ेंगे। 2 मिनट के बाद अभी हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। थोड़ा सा पिंक कलर होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे ये, क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए, आलू अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, इस पे थोड़ा सा पिंक कलर भी आ चुका है। चलिए, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, मैंने इधर सारे आलू को तल लिया है। देखिए, बहुत क्रिस्पी बने थे ये। चलिए, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने अभी इधर एक कढ़ाई रख लिया। कढ़ाई में अभी हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और बारीक कटे हुए अदरक। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और उसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बॉईल किए हुए आलू का पानी। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच डार्क सोया सॉस और 2 चम्मच ही डालेंगे रेड चिली सॉस और 2 चम्मच ही डालेंगे टमाटो केचप। अभी हम 1 स्पून वाइट विनेगर डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी ही शक्कर डालेंगे। अभी हम इन सब सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी हम कढ़ाई में डालेंगे क्यूब साइज में कटे हुए प्याज और क्यूब साइज में कटी हुई शिमला मिर्च। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का पानी। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई में डाल दें। अभी हम इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम कढ़ाई में आलू को डाल देंगे। देखिए मैंने आलू को डाल दिया है। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना फिर इसका क्रंचीनेस चला जाएगा। एक बार मिक्स करके इसको सर्व कर लेंगे। देखिए मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए मैंने इधर सर्व कर लिया पोटैटो चिल्ली को, थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर लिया है। आप अपने स्नैक्स टाइम पे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।